नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभव वन। मित्रों, आज हम लोग बात करेंगे कि सावन के महीने में कौन कौन से नौ काम नहीं करने चाहिए। मैं आपको ये जानकारी बहुत सारी देता रहता हूं कि सावन के महीने में पवित्र श्रावण मास में आप कैसे महादेव की पूजा आराधना करें। मैंने 10 साल से अपने YouTube चैनल पे मेरे जितने भी TV शोज रहे सब पे मैंने ये जानकारी सावन के महीने में दी, या शिव पूजा की जो विशेष तिथियां हैं उस पर कैसे आप महादेव शिव की पूजा आराधना करें, ये सारी जानकारी मैं आपको समय समय पर देता रहता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि परम पवित्र इस सावन के महीने में आपको कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए। तो आइए जानते हैं। हिंदी पंचांग के सभी 12 महीनों में श्रावण मास का विशेष महात्म्य माना जाता है, क्योंकि ये शिव जी की भक्ति का बहुत ही पवित्र महीना होता है। श्रावण मास को सावन का महीना भी कहते हैं। मान्यता है कि जो लोग इस माह में शिव जी की पूजा आराधना करते हैं उनके सभी दुख दूर हो जाते हैं। कामों में आ रही मुश्किलें, बाधाएं, जीवन की जो समस्याएं हैं वो भी इस महीने में महादेव शिव की पूजा आराधना मन से करने में समाप्त होती है। और जब इस महीने में आप महादेव की पूजा आराधना करते हैं तो आपको अन्य देवी देवताओं की कृपा भी बहुत आसानी से, बड़ी सहजता से प्राप्त होती है। इसी वजह से देश भर के सभी शिव मंदिरों में शिव भक्तों की भीड़ इस पूरे महीने में लगी रहती है। आप देख सकते हैं ये पूरा महीना भक्ति से सराबोर होता है। इस कारण से इन दिनों के लिए शास्त्रों में कुछ काम की बातें बताई गई हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए इस विषय में तो हम लोग अक्सर बात करते रहते हैं। आज हम लोग पहली बार बात करने जा रहे हैं कि सावन के महीने में कौन कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। जो लोग ये काम करते हैं उन्हें महादेव शिव की कृपा प्राप्त नहीं हो पाती है और जीवन में परेशानियां बनी रहती हैं, या यूँ कहें कि अगर सावन के महीने में इन गलतियों को करते हैं तो आपकी समस्याएं और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन से काम आपको नहीं करने चाहिए। दूध के सेवन से परहेज रखना चाहिए। सावन में संभव हो तो दूध का सेवन न करें। यही बात बताने के लिए सावन में शिव जी का दूध से अभिषेक करने की परंपरा शुरू की गई। वैज्ञानिक मत के अनुसार इन दिनों दूध वात को बढ़ाने का काम करता है। अगर दूध का सेवन करना हो तो खूब उबाल करके प्रयोग में लाएं, कच्चा दूध प्रयोग में न लाएं। सावन में दूध से दही बना करके सेवन कर सकते हैं, लेकिन भाद्रपद में दही से परहेज रखना चाहिए, क्योंकि भाद्रपद में दही सेहत के लिए हानिकारक होता है। मित्रों, पिछले 10 साल से मेरे जो शिव पूजा से संबंधित या सावन से संबंधित लिंक्स हैं वो आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएंगे। आप देखेंगे पिछले कुछ दिनों पहले एक मूवी आई थी PK, जिसमें PK में भी देवी देवताओं का बड़ा पूजा पाठ का बड़ा मजाक उड़ाया गया था। ओ माई गॉड में भी देवी देवताओं का पूजा का बहुत मजाक उड़ाया गया और उसमें सीधे तौर पर कहा गया कि आप लोग शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हैं वो एक तरीके से बेकार जाता है, नालियों में बहता है, उसको क्यों ना किसी गरीब को पिलाया जाए, गरीब के पेट में जाए। एग्जैक्टली इसी तरीके के कुछ डायलॉग थे। मैंने इमीडिएटली उसके बाद एक TV शो किया था कि शिवलिंग पर दूध चढ़ाने का वैज्ञानिक आधार क्या है। वो लिंक भी आपको मिल जाएगी, आपको शॉर्ट में यहाँ बताता हूँ, डिटेल में देखना हो तो उसको आप देखिएगा। देखिए, सावन मास में बारिश से घास फूस खरपतवार बहुत ज़्यादा होते हैं। हम लोग देखते हैं चारों तरफ हरियाली छा जाती है और गायें जो हैं वो चरती हैं घास को, तो वो घास के साथ और तमाम सारी चीज़ें और भी जितनी घास खरपतवार जो उनके लिए हानिकारक भी होता है उसको भी चरती हैं, तो उसके रिएक्शन से वात बनता है, गैस बनता है। तो वो सब खरपतवार जो नहीं खाना चाहिए उसको खाने के बाद जो दूध उत्पन्न होता है वो हमारे आपके लिए हानिकारक होता है। अब पहले पुराने प्राचीन काल में ऋषि मुनियों के समय में प्रचार प्रसार का माध्यम तो इतना था नहीं कि आपने TV में अनाउंस कर दिया रात में 8 बजे ये शो आना है, तो उस समय सांकेतिक आधार पर लोगों को बताया जाता था। तो उस समय ऋषि मुनियों ने ये नियम बनाया कि जब सावन का महीना आ जाए तो जो दूध है वो शिवलिंग पर आप चढ़ाना शुरू कर दीजिए। ये एक परंपरा बना दी गई जिससे आम जनमानस के बीच में ये मैसेज चला जाए कि ये दूध पीना नहीं है। अब गाय का दूध अगर नहीं निकाला जाएगा तो वो गाय के लिए स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है, उसके लिए हानिकारक है, तो दूध भी निकालना है। अब निकाल के करें क्या, तो ऋषि मुनियों ने उसका ये एक तोड़ निकाला कि इस दूध को शिवलिंग पर अभिषेक किया जाए। वो दूध पीने से बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ सकती हैं, इसलिए इसके पीछे पूरा साइंटिफिक लॉजिक है। ये यूं ही हमारे ऋषि मुनियों ने सिस्टम नहीं बनाया था,
तो इस तरीके से अगर आपको किसी कंडीशन में वो दूध पीना हो, आपको यूज़ करना ही पड़ जाए, तो उसको खूब अच्छे से, जैसे आप नॉर्मल डेज में एक उबाला देते हैं, उसको 4-5 उबाला दे दीजिए, तो उसका इम्पैक्ट जो है, निगेटिविटी जो है, थोड़ा सा कम हो जाएगी, फिर आप उसको प्रयोग में ले सकते हैं। दूसरी चीज़, मेरी सारी शिव पूजा की, सारी तो नहीं कहूँगा, शिव पूजा की लिंक्स तो 100 से ऊपर है, यहाँ कुछ 25-30 खास लिंक्स आपके लिए पड़ी हैं, उनको ज़रूर देखिएगा, वो आपके बहुत काम आ सकती हैं। दूसरा उपाय है, सावन में हरी पत्तेदार सब्जी साग खाना वर्जित होता है। स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सावन में कुछ चीज़ों को खाना वर्जित बताया गया है। ऐसे में पहला नाम साग का आता है, जबकि साग को सेहत के लिए गुणकारी मानते हैं, आयरन से रिच मानते हैं, लेकिन सावन में साग खाना वात को बढ़ाने वाला होता है, इसीलिए जैसे जो मैंने गाय के केस में बताया, वात तत्व में ये वृद्धि कर देता है, इसलिए साग गुणकारी नहीं रह जाता, यही कारण है कि सावन में साग खाना वर्जित माना गया है। दूसरा कारण ये भी है कि इन दिनों कीट पतंगों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और साग के साथ घास फूस भी उगाते हैं, जो सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं। साग के साथ मिलकर के हानिकारक तत्व हमारे शरीर में ना पहुँचे, इसलिए साग खाने की मनाही इस महीने में सावन में की जाती है। तीसरा उपाय है कि सावन में बैगन खाना वर्जित है। सावन के महीने में साग के बाद बैगन भी एक ऐसी सब्जी है जिसे खाने में वर्जित माना गया। इसका धार्मिक कारण यह है कि बैगन को शास्त्रों में अशुद्ध कहा गया है। अगर बैगन देखेंगे, उसका सही मायने में जो शाब्दिक अर्थ है, वो बेगुण है, बिना किसी गुण के, उसमें कोई गुणकारी तत्व नहीं होते। यही वजह है कि कार्तिक के महीने में कार्तिक मास का व्रत रखने वाले व्यक्ति बैगन नहीं खाते हैं। वैज्ञानिक कारण यह है कि सावन में बैगन में कीड़े अधिक लगते हैं, इसलिए ऐसे में अगर आप बैगन खाते हैं तो स्वास्थ्य पर इसका बुरा प्रभाव होता है, इसलिए सावन में बैगन खाने से मनाही बताई गई। पांचवा, बुरे विचारों से बचना चाहिए। सावन के महीने में किसी भी प्रकार के बुरे विचार से आपको बचना चाहिए। बुरे विचार जैसे दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए योजना बनाना, अधार्मिक काम करने के लिए सोचना, स्त्रियों के लिए सोचना आदि आदि, गलत काम, मैथुन वगैरह, इस प्रकार के विचारों से बचना चाहिए, अन्यथा शिव जी की पूजा में मन नहीं लग पाएगा, मन बेकार की बातों में ही उलझा रहेगा। शास्त्रों में स्त्रियों के लिए गलत बात सोचना महापाप बताया गया। सावन में अच्छे साहित्य या धर्म संबंधी किताबों का अध्ययन करना चाहिए, इससे बुरे विचार दूर होते हैं, तो ये बहुत आवश्यक है, आप गलत चीज़ों के बारे में ना सोचें। छठा, लोगों का आप अपमान न करें। सावन के महीने में इस बात का आप ध्यान रखें कि बड़े बुजुर्ग व्यक्ति, गुरु, भाई बहन, जीवन साथी, माता पिता, मित्र और ज्ञानी लोगों का आपसे जाने अनजाने अपमान ना हो जाए। महादेव शिव के इस माह में अगर इस बात का आप पालन जरूर करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, और पालन नहीं करने पर महादेव की कृपा प्राप्त नहीं हो पाती। शिव जी ऐसे लोगों से प्रसन्न नहीं होते जो इन लोगों का या किसी भी तरीके से किसी भी व्यक्ति का अपमान करते हैं या उनका दिल दुखाते हैं। ये सभी लोग हर स्थिति में सम्मान के पात्र हैं, हमेशा आपको इनका सम्मान करना चाहिए। छठा उपाय यह है कि देर तक सुबह सोना नहीं चाहिए। पूजा के लिए सुबह का समय सबसे अच्छा रहता है, तो सुबह सुबह उठ करके पूजा करें। इस कारण यदि आप शिव जी की कृपा पाना चाहते हैं तो सुबह बिस्तर जल्दी छोड़ देना चाहिए, जल्दी जागें और स्नान आदि के कार्यों के बाद महादेव शिव की पूजा आराधना करें। यदि देर तक सोते रहेंगे तो इससे आलस्य बढ़ेगा। सुबह जल्दी उठने से वातावरण से स्वास्थ्य लाभ भी होता है। सुबह के समय में मन शांत रहता है और इस वजह से पूजा पूरी एकाग्रता से हो पाती है। एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन से की गई पूजा ही आपको आपका पूरा फल दिलाती है, तो एकाग्रता के साथ ही आपको पूजा आराधना करना चाहिए। सातवां उपाय है कि मांसाहार के सेवन और प्रयोग से बचें। सावन के महीने में मांसाहार यानी नॉनवेज खाने से बचना चाहिए। नॉनवेज खाना बनाने के लिए जीव हत्या की जाती है, जीव हत्या पाप है, मांसाहार को छोड़ करके इस पाप से आपको बचना चाहिए। सावन के महीने में वर्षा ऋतु रहती है और आसमान में बादल छाए रहते हैं, इस कारण कई बार सूर्य और चंद्रमा दिखाई नहीं देते। सूर्य और चंद्रमा की रोशनी हम तक नहीं पहुंच पाती तो हमारी पाचन शक्ति कुछ कमज़ोर हो जाती है। यदि दोनों ग्रहों की रोशनी से पाचन इन्हीं दोनों ग्रहों की रोशनी से पाचन शक्ति मजबूत होती है। नॉनवेज खाने को पचाने के लिए पाचन शक्ति का मजबूत होना बहुत आवश्यक है। यदि ये खाना ठीक से पचेगा नहीं तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती हैं, तो इस कारण से नॉनवेज इत्यादि से मांसाहार से शास्त्रों में परहेज बताया गया, खासतौर पर सावन के महीने में।
अब आठवीं बात की पति पत्नी बहुत ध्यान रखें, उनके ध्यान रखने वाली बात है। अधिकतर परिवारों में पति पत्नी के बीच वाद विवाद, छोटी छोटी लड़ाइयाँ अक्सर होती रहती हैं, ये आम बात है। लेकिन जब छोटी छोटी बातें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो पूरा घर जो है उसका, घर का वातावरण जो है अशांत हो जाता है। सावन के महीने में आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि घर में कलह क्लेश लड़ाई झगड़ा न हो। जिन घरों में क्लेश होता है, अशांति रहती है, वहाँ देवी देवता निवास नहीं करते। सावन के महीने में शिव जी की कृपा चाहते हैं तो घर में प्रेम बनाए रखें और एक दूसरे की गलतियों को भूल करके आगे बढ़ें। घर में शांति रहेगी तो जीवन भी सुखद बना रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा। प्रसन्न मन से पूजा करेंगे तो हर प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होंगी। नौवीं और प्रमुख बात कि क्रोध ना करें। क्रोध से मन की एकाग्रता और सोचने समझने की शक्ति जो है वह समाप्त हो जाती है, आपका विवेक नाश होता है। कहते हैं कि क्रोध से आप स्वयं का अपना नाश करते हैं। इस आवेग में लिए गए फैसले भी अधिकतर नुकसानदायी ही सिद्ध होते हैं। ये एक ऐसी बुराई है जिससे बचना चाहिए। शिवजी की कृपा प्राप्त करने के लिए खुद को शांत चित्त रखना बहुत आवश्यक है। क्रोध से मन अशांत हो जाता है और ऐसे में पूजा पाठ नहीं की जा सकती। मन में आपके वही सारी चीज़ें घूमती रहेंगी, मन में भटकाव रहेगा, पूजा में मन नहीं लगेगा। तो ऐसे में जितना शांत चित्त होकर के पूजा पाठ करेंगे उतना आपके लिए उत्तम होता है। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि सावन से जुड़ी हुई ये जानकारी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। आप सभी से आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इन्हें लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए इसी शुभकामना के साथ। लेकिन जाने से पहले मैं एक बार फिर से आप लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि देखिए, सावन के महीने में पूरा 30 के 30 दिन जो राशिफल वाले होंगे वो तो सब शिव पूजा से रिलेटेड होंगे ही होंगे, लेकिन बहुत अच्छे, बहुत सरल, बहुत प्रमाणिक उपायों की लिंक्स यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी है, इनको देखना आप मत भूलिएगा। ये सारी लिंक्स आप ज़रूर देखिए, ये आपके जीवन में निश्चित तौर पर चमत्कार दिखाएंगी। तो आशा करता हूँ मेरे एपिसोड आपको पसंद आते होंगे। आप इनको जब देखते हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए किसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो। मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल वैभवन। हर हर महादेव। जय महाकाल।